आज के हमारे चर्चा का विषय है योगा एंड हेल्थ। बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है और उम्मीद है आपको ये टॉपिक और ये चर्चा अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिग्निफिकेंस की। ये जो हमारी दुनिया है, ये जो हमारा परिवेश है, मशीनीकरण की वजह से एडवांस तो हुआ है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने विकास भी किया है, लेकिन हम अपने सिद्धांतों से, हम अपने दर्शन से काफी भटक गए हैं, और जिसकी वजह से कि हमें नई नई तरह की समस्याओं का, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने शांति के लिए, सुख के लिए, सुविधाओं के लिए दुनिया भर की दौड़ लगा रहे हैं, और निश्चित रूप से हमने काफी उसमें अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किए हैं उसमें सफलता भी पाई है, लेकिन जिस शांति की, जिस खुशी की हम कल्पना करते हैं वो हमसे काफी दूर है। इस मशीनीकरण के दौर में हुआ यह है कि हमने अपनी दिनचर्या खराब कर ली है, हमने अपना लाइफस्टाइल खराब कर लिया है, और झूठी, अपने आप को झूठी तसल्ली देने के लिए हम नशे के आदि हो गए हैं, शिकार हो रहे हैं। हम ऐसी ऐसी चीजों को अपने जीवन में प्रवेश करने दे रहे हैं जिनका कि बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है जीवन में। खास करके तनाव है, चिंता है, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, और जो हमारा यूथ है वो अपने हेल्थ को, अपने वेलबीइंग को खोता चला जा रहा है। मैं इसके, अब आप कहेंगे कि भाई योग एंड हेल्थ टॉपिक है, निश्चित रूप से योग एंड हेल्थ ही टॉपिक है, और गुड हेल्थ तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना। आयुर्वेद कहता है धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और उन चारों पुरुषार्थों को यदि हम जीवन में लाना चाहें, जीवन में कुछ भी करना चाहें, तो स्वास्थ्य तो प्राइमरी आवश्यकता है, और वो हम अचीव कर सकते हैं यदि योगाभ्यास, जो कि हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है, दूसरा पहलू है, यदि योगाभ्यास नियमित करें। योग के परिप्रेक्ष्य में यदि हम स्वास्थ्य की परिभाषा को लेना चाहें तो वो है स्व और स्थ, दो शब्दों में ये विभक्त है, और इसे स्व से सेल्फ, स्थ से स्टेब्लिश, जो स्व में स्थित हो, जो अपने आप में व्यवस्थित हो, जैसे योगस्थ होता है योग में स्थित, समाधिस्थ होता है समाधि में स्थित, उसी तरह से सेल्फ स्टेब्लिश्ड, स्व में स्थित। वन हु इज स्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ कैन बी सेल्फ अ हेल्दी पर्सन। और उस स्व का अर्थ क्या है, स्व की व्यवस्था क्या है, उसे हम डिटेल में आगे जानने का प्रयास करेंगे। इस स्वास्थ्य की परिभाषा को आयुर्वेद ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, और वो है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। हमारे शरीर में तीन तरह के दोष हैं, 13 अग्नियां हैं, 7 धातु हैं, ये सभी अपने साम्यावस्था में हो, उसके अलावा प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, आत्मा, मन और इंद्रियां, यदि ये सभी प्रसन्न अवस्था में हो तो इसे स्वस्थ कहा जाएगा। यदि योग में इसके कंसेप्ट को लिया जाए तो ये हमारा शरीर जो है 5 आयामों में बटा हुआ है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। आप सभी जानते हैं, योग के क्षेत्र में आप सभी जुड़े हैं, कोई मास्टर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, और कोई
अपने मास्टर्स या डिप्लोमा पूरे करने जा रहे हैं। तो ये पांच कोश जो है हमारे शरीर के पांच आयाम हैं, और इन पांच आयामों को मिला करके ही हम स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। केवल शरीर स्वस्थ हो, केवल मन स्वस्थ हो, नहीं, आत्मा भी स्वस्थ होनी चाहिए। आत्मा से मतलब है जो हमारा अन्नमय के बाद प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, जो एक एक सीत है लाइफ के, वो सब के सब स्वस्थ होने चाहिए, अपने ऑप्टिमम लेवल पर हेल्दी होने चाहिए। ये स्वास्थ्य की अवधारणा है योग के विषय में। यदि मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में लें, मॉडर्न कंसेप्ट लें, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक 1948 में डेफिनेशन जो है वो, जब इनकी पहली बैठक हुई थी 1946 में, 19 और से 22 जून तक, तो ये उस समय ओल्ड ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस और एनी डिजीज और इन्फर्मिटी, किसी दोष का या बीमारी का नहीं होना ही स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, बल्कि हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी समग्र होना चाहिए। ये डेफिनेशन बाद में मॉडिफाई की गई और 1998 में WHO की जो नई प्रपोज्ड डेफिनेशन है, नीचे हमने रेफरेंस भी दिया है, उसके अंतर्गत ए डायनामिक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। इसमें एक तो शब्द जोड़ा गया है डायनामिक, और दूसरा शब्द जोड़ा गया है स्पिरिचुअल। तो इन दो कंपोनेंट्स जो हैं अब हेल्थ के और बढ़ गए। इसको यदि हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ देखना चाहें, तो हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, वो है फिजिकल पहला, शारीरिक, इंटेलेक्चुअल या मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, अब ये छिप गया है यहाँ पे, और ऑक्यूपेशनल और इमोशनल। कहीं कहीं पे इन्वायरमेंटल भी है। कई सारे वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से इन तथ्यों को रखते हैं, और उनका सबका अपना अपना नजरिया है, पर ये तो तय है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये चार एस्पेक्ट तो हमारे हेल्थ के है ही हैं। लेकिन जब तक कि हमारे इनकम के, आर्थिक, या कहिए कि हम जिस धंधे में, जिस प्रोसेस में लगे हैं, जिस उद्योग में लगे हैं, यदि वो ठीक ठाक नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता ही है। और ये जो इमोशनल है, वो इमोशनल की जगह कहीं कहीं पे इन्वायरमेंटल है। हाँ, निश्चित रूप से भावनात्मक रूप से भी हमें स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन आसपास का वातावरण यदि स्वस्थ हो तो भी हमारे, देखा जाता है, आपने फिल्में देखी होगी कई सारी, जिसमें कहा जाता है कि ये जो है बीमार हो गए हैं और इनको किसी हिल स्टेशन पे ले जाइए, या इनको भावनात्मक रूप से कोई खतरनाक बात ना सुनाइए। तो दोनों तरह के, इमोशनल और इन्वायरमेंटल, ये दोनों ही कंसेप्ट हैं हेल्थ के, और इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए स्वास्थ्य को यदि समग्र रखना है तो। हेल्थ के और भी डिफिनेशंस कई सारे आए, डिफरेंट वेबसाइट्स पे पड़े हैं, आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं। मैंने अपने इस स्लाइड्स में से अभी कम से कम 10 डिफिनेशंस हटाए हैं, जो ये इसमें हमने कंपोज करके रखे थे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उसे, पर ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट्स पे ये चार कंपोनेंट जरूर हैं, फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल। इन सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर ही स्वास्थ्य की कल्पना की जा सकती है। अब हम आते हैं फिजिकल हेल्थ के डिफरेंट कंपोनेंट्स पर। ये एक नया स्लाइड शेयर में मुझे दिखा था, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, रेस्पिरेटरी फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन और फ्लेक्सिबिलिटी, यदि ये पांच चीजें आपकी ठीक हैं, तो आप माने जाएंगे कि आप फिजिकली फिट हैं। अब दूसरा जो एरिया है हमारे मेंटल हेल्थ का, उसमें भी छह कंपोनेंट्स हैं। एडिक्वेट कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी, यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप
यथार्थ के काफी नजदीक रहेंगे, कोई भ्रम नहीं पालेंगे। कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशन, अपने विचारों पर और अपने कल्पना लोक में जो है नियंत्रण रखेंगे। इफिशियंसी इन वर्क एंड प्लेस, जो भी आप कार्य कर रहे हैं या खेल रहे हैं उसमें आपकी इफिशियंसी दिखेगी। यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो वो यहाँ पे प्रभावित होगा। देन सोशल एक्सेप्टेंस, आप समाज को एक्सेप्ट करें और समाज आपको एक्सेप्ट करे, ये मेंटल हेल्थ की निशानी है। फिर पांचवा है पॉजिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव से मतलब है आप अहंकारी हैं, पॉजिटिव से मतलब है आत्मविश्वासी। और अंतिम है हेल्दी इमोशनल लाइफ, आप अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने मित्रों के साथ इमोशनल जीवन जीते हैं। तो ये 6 कंपोनेंट यदि आप देखें तो मेंटल हेल्थ के हैं। तो फिजिकल मेंटल हेल्थ होने के बाद हम बेसिकली जो इन शारीरिक मानसिक समस्याओं में जो चैलेंज आ रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। सभी समझते हैं इस बात को, एनवायरमेंट बहुत पॉल्यूट हो रहा है। हालांकि इस लॉकडाउन ने इसको काफी नियंत्रित भी किया है। दूसरा है मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण, हम सब लोग मशीन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत सारे हम जो है इंफॉर्मेशन लेकर के दुनिया भर के समाचार पत्रों से, न्यूज चैनल से, और ये इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि हम उससे विचलित हो जा रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस, कभी कभी हमारे मैं हूं, मेरा कोई अस्तित्व है कि नहीं है, अस्तित्व का सवाल हो जाता है। शारीरिक बीमारियां हैं, कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल इलनेसेस है, इमोशनल इम्बेलेंस है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। ये जो चैलेंजेस हैं इनको हम हेल्थ के चैलेंज, हेल्थ के लिए या कहिए कि कंप्लीट हेल्थ के लिए सबसे बड़े चैलेंज के रूप में है, और इनको एलिमिनेट करने की या इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। होप ऑफ लाइफ, अब इतनी सारी समस्याएं हैं तो है लेकिन एक आशा की किरण भी है, और ये किरण बहुत मोटी किरण है, बहुत ज्यादा प्रकाशवान है। आज के जमाने में आप देख पा रहे हैं कि भले ऐसा है कि हमने कई सारे अपने सोशल नेटवर्किंग पे और अपने मित्रों के कमेंट्स पढ़े कि भाई योग से सब ठीक हो रहा है तो योगा सेंटर्स को क्यों नहीं खोलने दे रहे हैं। अब ये जो है पॉलिसी मेकर्स की एक अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ये तो तय है कि आज पूरी दुनिया और खास करके वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं योग की शरण में आ गए हैं, और उसकी वजह है कि योग को वो मानसिक और मनोशारीरिक रोगों के समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पावरफुल टूल के रूप में देख रहे हैं। इसलिए अब मैं अपने दूसरे एस्पेक्ट पर आता हूं, योग के एस्पेक्ट पर। योग क्या है? योग एक अनुभूति जन्य विज्ञान है, और इसका जो सीधा सीधा असर हमने देखा है, आपने देखा है, हम सब ने देखा है कि वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है, हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, और खुद ही हमारी जो बॉडी टॉक्सिक हो जाती है तो इंटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, सेल्फ प्रोसेस, उसको इंप्रूव करता है, और इस तरह से हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना करके, माइंड को टेंशन मुक्त करके, और ढेर सारे बेनिफिट्स के रूप में हमारे सारे शरीर, मन और भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालता है। यदि हम इसके फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स को देखना चाहें तो कई सारे फिजिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने
ये देखा है कई सारे क्रॉनिक डिजीजेस हैं, अर्थराइटिस है, क्रॉनिक फटीग है, डायबिटीज है, इवन एड्स और कैंसर तक के पेशेंट्स को देखा गया है कि उनके फिजिकल फिजिकल कंपोनेंट्स में, फिजिकल जो हेल्थ के कंपोनेंट्स हैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। अस्थमा के, ओबेसिटी के, डायबिटीज के पेशेंट्स को हम लोगों ने काफी हद तक अपने स्वास्थ्य को अचीव करते हुए देखा है। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, जो अब अपने प्रिस्क्रिप्शन में योग का भी रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि हमारा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसे किसी और एडिशनल सपोर्ट की आवश्यकता है, और वो सपोर्ट कौन कर सकता है, तो उसमें सबसे ऊपर योग का नाम आता है। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स में यदि हम देखना चाहें तो ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, हमारे पल्स रेट को डिक्रीज करता है, रेस्पिरेशन रेट को डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, लो है तो हाई है तो दोनों ही कंडीशन में टुवर्ड्स नॉर्मल लाने का प्रयास करता है, गैल्वेनिक रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है, अल्फा वेव्स को इंक्रीज करता है, ईएमजी को एक्टिवेट करता है। ऐसे सारे कई सारे बेनिफिट्स हैं, खास करके यदि फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स को और देखें गहराई से तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, हमारे हार्ट की कैपेसिटी को बिल्डअप करता है, रेस्पिरेटरी इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस को नॉर्मल करता है, इसके अलावा इंडोक्राइनल फंक्शंस को नॉर्मल करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस को नॉर्मल करता है, मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी। आप सब इन टर्म्स से वाकिफ हैं, यानी ज्वाइंट्स और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, यानी कि किडनी हो गई, डिफिकेशन हो गया, ब्लड प्यूरिफिकेशन का सारा सिस्टम हो गया, इन सबको बेहतर करने का जो प्रोसेस है उन सारे प्रोसेसेस को बेटर करता है। यानी आप जैसे किडनी को ले लें या लंग्स को ले लें या लीवर को ले लें, इनकी जो वर्किंग इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, और ये बढ़ती कैसे है, वो बढ़ती है हमारे जब हम योगाभ्यास कर रहे होते हैं तो उनकी जो इफिशियंसी हम बढ़ाते हैं, उनको टोनअप करते हैं, उन मसल्स को खींचते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो इससे जो है उनकी वर्किंग इफिशियंसी वो बढ़ जाती है, इससे हमारा श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ब्रेथ होल्डिंग टाइम इंक्रीज करता है, ज्वाइंट्स रेंज और मोशन से इंक्रीज करते हैं, ग्रिप जो है वो, यदि हम फिजिकल एक्टिविटीज को देखना चाहें जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स होंगे इसमें वो समझ जाएंगे, किसी चीज को हम अपनी ग्रिप कितनी अच्छी बनाते हैं, जैसे कूदना फांदना होता है, पुलअप्स करने होते हैं, तो हमारा ग्रिप बेहतर होना चाहिए, ये स्ट्रेंथ जो है वो योग के माध्यम से इसको बढ़ाया जा सकता है। हम इसके और बेनिफिट्स देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स में, इसमें है आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है, आप देखते हैं जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे, यदि इनका बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है तो वो, खास करके आप क्रिकेट को ले लो, टेनिस को ले लीजिए, आप जो है बैडमिंटन को ले लीजिए, जहां पे कि तीरंदाजी को ले लीजिए, जहां पे कि दिमाग और हाथ एक साथ काम करें और एक तरीके से काम करें, आंख उसके साथ में बिल्कुल जुड़ जाए, कभी कभी कहते हैं कि हाथ में ही आंख हो जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाए, ऐसे हाई आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इंप्रूव हो जाता है। उसके अलावा हमारा डेक्सट्राइटी स्किल इंप्रूव करती है, रिएक्शन टाइम इंप्रूव करता है, ये सारे फिजिकल एजुकेशन के बच्चे आसानी से समझ जाएंगे कि जैसे रिएक्शन टाइम क्या होता है, कि आपको एक टास्क दिया जाता है, आप कान से सुनते हैं उसी समय आपको रिएक्ट करना होता है, सुनने के बाद आप कितनी देर से रिएक्ट करते हैं वो कहलाता है रिएक्शन टाइम, और ये यदि आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका रिएक्शन टाइम बेहतर हो जाता है।
हमारा पोस्चर इंप्रूव कर जाता है। अक्सर हम जो है टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, तो योगाभ्यास के माध्यम से पोस्चर इंप्रूव करना क्यों जरूरी है कि वो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलर होता है, स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस इंक्रीज करता है, एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ती है यानी सहनशीलता, एनर्जी लेवल बढ़ता है, वेट नॉर्मल होता है, ज्यादा है तो कम होगा, कम है तो ज्यादा होगा, स्लीप इंप्रूव करता है। स्लीप क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए, और हमारे जितने भी ऑर्गन्स थक जाते हैं, शरीर हमारा थक जाता है, तो इनको इम्प्रूव करने के लिए स्लीप बहुत जरूरी होती है। तो इस तरह से ये देखते ही हमारे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हो गए। इसके एक और स्लाइड है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स का, वो है इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। आज के जमाने में ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आप देखिए जितने भी श्रम करने वाले लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बेहतर पाई गई है। आप देखते हैं कि ये लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं और बीमार पड़ने के चांसेस भी इनके कम हो रहे हैं, कम हैं। इनका दूसरा जो लाभ है वो ये कि यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो इन्फेक्शंस या जो बाहरी हमारे आघात हैं उनको हम झेल ले जाते हैं। यदि कोई मान लीजिए पहले से ही डायबिटीज, कैंसर या इस तरह के खतरनाक रोग का रोगी है जिनकी की इम्यूनिटी पहले से कमजोर होती है, और उनको यदि कोई अटैक हुआ तो उनको बचना या उनको बचाना मुश्किल होता है। इसलिए हमारा इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, दैट वी कैन इंक्रीज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा। आप कौन कौन से प्रैक्टिस करने चाहिए वो भी डिस्कशन का विषय है, उसके भी बाद में हम इसको डिस्कशन में लेंगे। फिर इसके अलावा हमारे दर्द सहने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारा स्टेडीनेस इंप्रूव कर जाता है, डेप्थ परसेप्शन इंप्रूव कर जाता है, बैलेंस इंप्रूव कर जाता है, इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ बॉडी एंड पार्ट्स इंप्रूव कर जाता है। कई सारी चीजें हैं, कई सारे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। आप इसको यदि गिनना चाहें तो दिन भर लग सकता है, कई सारे और इन पे डिस्कशंस हो सकते हैं, पर हम आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स को लेते हैं। रेगुलर योगा प्रैक्टिस जो है वो हमारे मेंटल क्लेरिटी को और कामनेस को वो बढ़ाता है, इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और स्ट्रेस रिलीज होता है, माइंड रिलैक्स होता है, अटेंशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन वो शार्प होता है। कई सारे बेनिफिट्स हैं। और उसके अलावा जो योग के माध्यम से ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हमने अभी तक बोले फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, ये सब पे रिसर्च हो रखे हैं। और यदि आपको कोई शक है तो आप सब भी मास्टर डिग्री या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जिनको कि प्रोजेक्ट करना है, जिनको कि रिसर्च करना है, जिनको कि अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं, आप ऐसे भी आप मान लीजिए डॉक्टर कर भी चुके हैं तो एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए आपको ये एक चैलेंज है। आप किसी भी एक पैरामीटर या दो पैरामीटर को लेकर के योग के अभ्यास के प्रभाव को जांचिए, और यदि ये संभव नहीं होता है तो आप अपनी एक अलग थ्योरी दे सकते हैं कि भाई योग से ये चीज ठीक नहीं होती। और डॉक्टर कामाख्या कुमार ने जो अपने लेक्चर में ये बताया था वो गलत था, मैं उनको आज गलत सिद्ध करता हूं। और ये जो थ्योरी नई बिल्डअप होगी उसको दुनिया भर के लोग कोट करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्यों? क्योंकि एक तरफ से ये कह देना कि योग से सब ठीक हो जाता है बहुत आसान है, लेकिन उस बात को अपने रिसर्च के माध्यम से प्रूव करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी इम्प्रूवमेंट के लिए, इसी अपने बातों को दृढ़ता से रखने के लिए रिसर्चेज की आवश्यकता है, और वो भी ऑथेंटिक। तो आप किसी भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को या साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स को लीजिए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 100 लोगों को आपने अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा, 100 को कंट्रोल ग्रुप में रखा, दोनों के बीच में कंपेयर किया 2 या 3 महीने के अभ्यास के बाद, और देखिए लाभ हुआ कि नहीं हुआ, दोनों में अंतर आया कि नहीं आया। नहीं आया तो हमारी थ्योरी फेल है,
और आपकी थ्योरी पास है, आपके उस रिसर्च को कोट करने वाले और उसको दुनिया भर में वो देने के लिए लोग ललायत रहेंगे, उसको जिसको कहते हैं ना जो मीडिया में फुटेज मिलता है, आप फुटेज लेने के लिए तैयार रहिए, लेकिन आपको पहले वो रिसर्च करना पड़ेगा। आगे में काफी सारे पैरामीटर्स, इसके साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, वो मैं लेना चाहता हूँ। सोमेटिक एंड काइनेटिक अवेयरनेस इंक्रीज करता है, मूड इंप्रूव करता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंक्रीज करता है, सोशल एडजस्टमेंट इंक्रीज करता है। अब ये चीजें जितने भी पैरामीटर्स, जितने भी टॉपिक्स में, जितने भी पॉइंट्स बोल रहा हूं, इन सब के ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट बने हुए हैं। आप चाहे किसी भी साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल क्लिनिक से ये क्वेश्चनर आप उपलब्ध कर सकते हैं, और इसकी एक मास लेवल पे जितने भी योगा प्रैक्टिशनर्स हैं उनके ऊपर आप क्वेश्चनर को आप ऑनलाइन भेजिए और उनके सबके जवाब लीजिए। आप देखिए एक नॉन योगा प्रैक्टिशनर के साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स कितने हैं, कैसे हैं, और एक योगा प्रैक्टिशनर के, दोनों के अंतर देखिए। यही एक अपने आप में, यदि आपने 500 700 लोगों का, 1000 लोगों का सर्वे कर लिया, ऑनलाइन ही किया, तो ये अभी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इससे हाथों हाथ लिया जाएगा, पूरी दुनिया आपके इस प्रोजेक्ट को, इस तरह के रिसर्च को सराहेगी, खूब सुर्खियां बटोरेगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे डिक्रीज होते हैं। अब तक हो चुके रिसर्चेस के आधार पे ये पॉइंट्स हमने बनाए हैं, और आपको इन रिसर्चेस को गलत सिद्ध करना है। पहले वाले रिसर्च गलत थे, पहले वाली थ्योरी गलत थी, अब सही हम करके दिखा रहे हैं। और यदि आपने इसी चीज को मास लेवल पे प्रूव करके दिखाया, तो फिर पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी। कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में हम और भी देखते हैं, इससे हमारा अटेंशन इंप्रूव होता है, इससे हमारी लर्निंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, मूड इंप्रूव होता है, सेल्फ लोकेशन, सेल्फ सोशल स्किल इंक्रीज होते हैं, वेलबींग इंक्रीज होती है, सोमेटिक, ये सारी चीजें हैं। कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, लर्निंग एफिशिएंसी, डेप्थ परसेप्शन, फ्लिकर फ्यूजन। अब मैं आता हूं बायोकेमिकल बेनिफिट्स के ऊपर। यदि आप चाहें, हालांकि ये लैब टेस्ट हैं सारे, ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, सोडियम है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ट्राइग्लिसराइड का, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सारी चीजें जो है वो इंप्रूव करती हैं। एटीपी, हेमेटोक्राइट, हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट, टीएलसी, डीएलसी, थायरोक्सिन, विटामिन सी और टोटल सीरम प्रोटीन, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आप अभी इम्यूनिटी को यदि आप चेक करना चाहें, तो किन की इम्यूनिटी ठीक है और किन की कमजोर है, इन पैरामीटर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, और योगाभ्यास से ये चीजें इंप्रूव होती हैं कि नहीं होती हैं ये भी चेक कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री के पैरामीटर्स हैं जो योग के माध्यम से इंप्रूव होते देखे गए हैं। अब मैं आता हूं स्पिरिचुअल बेनिफिट्स पर, क्योंकि हेल्थ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बार बार बोलते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ को ध्यान नहीं देते। आपको ध्यान रखना है अपने आत्मा के विषय में, अपनी आत्मिक शांति के विषय में। ये जो आप आसन प्राणायाम करते हैं ना, आसन उस पे योगा मैट पे बैठ के, उस योगा मैट के अलावा भी योग होता है। उस योग को करने का अभ्यास जब आप करते हैं, तब आपके जीवन में अध्यात्म अवतरित होता है, और उस आध्यात्मिक स्वास्थ्य को आप मेजर कर सकते हैं। कैसे? जब आपके अंदर दया, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, प्रेम, उदारता, ये सारे कंपोनेंट्स आपके भीतर आने लगे, तो आप समझिए आपने स्पिरिचुअल हेल्थ गेन कर लिया। योगिक थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस लीड टू इंक्रीज सेल्फ नॉलेज, अपने भीतर के ज्ञान को आप जानेंगे।
आप अपनी प्रकृति को जानेंगे, ऐसे कई सारे बेनिफिट्स आप गेन करेंगे जिसके कि बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो समय कम है और दूसरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विषय में आपकी उतनी अवेयरनेस भी नहीं है और अभी उतनी मैच्योरिटी भी नहीं है। तो ये मैंने आपको एक पॉइंट केवल इतना ही दे के छोड़ दिया। आप जब योगाभ्यास अंतर्मन से करना शुरू करेंगे, ऑफ द मैट, योगा ऑफ द मैट, आसन प्राणायाम मेडिटेशन जो भी आप योगा मैट के ऊपर करते हैं, उसके अलावा जो योग के हिस्से हैं जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि आते हैं, यदि आप वो करने लगेंगे फिर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स प्राप्त करेंगे। तो ये हुई बातें अब तक के हेल्थ कंपोनेंट्स की। अब मैं इस एरिया में दोबारा से प्रवेश नहीं करना चाहता, ये काफी बातें इस पे हो चुकी है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारा जो है वो बेहतर हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव कर जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर काम करने लगता है। डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि आप चेक कर सकते हैं। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो बेहतर काम करने लग जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योग का हमारे जीवन में हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। और ऑल टुगेदर जो हमने शुरुआत में कहा था, जो योग का हमारा हिस्सा है, पांच आयाम है हमारे शरीर के, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो आसन प्राणायाम के माध्यम से हम अन्नमय प्राणमय को ठीक करते हैं, बेहतर करते हैं, और धारणा ध्यान इत्यादि के माध्यम से मनोमय और विज्ञानमय को ठीक करते हैं, और भक्ति योग ज्ञान योग इत्यादि के माध्यम से हम अपने आनंदमय कोष को ठीक करते हैं। तो इन पांचों आयामों को जब हम ठीक कर लेते हैं तो योग हमारे जीवन में ग्रेजुअली ग्रेजुअली उतरना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज टू मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू बी एबल टू फ्यूज टूगेदर द ग्रॉस मटेरियल एंड द डिफरेंट लेवल ऑफ योर लाइफ। तो इसके साथ ही मैं अपनी बातें अब समाप्त करता हूं। अभी मैं स्लाइड्स अपने बंद करूंगा और निश्चित रूप से अभी कुछ कमेंट्स आ रखे होंगे तो उसके क्वेश्चंस और आंसर जो हैं वो देखेंगे। आप हमारा ये ईमेल आईडी वो नोट कर लीजिए, ये हमारी वेबसाइट है इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा .org। हमारा एक संगठन है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, आप इसके सदस्य बन सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। और ये हमारा दूसरा वेबसाइट है इंडियन योगा .org, हमारा एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेस, आप उसके सदस्य बन सकते हैं, या उसमें यदि अपनी कोई आर्टिकल्स पब्लिश करना चाहें, आर्टिकल नहीं रिसर्च पेपर, तो उसके लिए ये हमारा इंडियन योगा .org वेबसाइट है। या दूसरा एक और वेबसाइट है IJSC.net, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड कॉन्शसनेस के लिए। तो आपके क्वेश्चंस इनवाइटेड हैं और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। क्वेश्चंस लेंगे फिर लास्ट में हम शांति पाठ करेंगे। अपने गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ।